क्या हाल चाल है आप लोग का? अच्छे होंगे आप लोग तो। आइए मैं आज शुरू करता हूँ। आज दूसरा लेक्चर है कंपनी लॉ का। देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरा पहला लेक्चर कैसा था और दूसरा लेक्चर, क्योंकि उससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। आप लोग कुछ कमेंट करेंगे, बताएंगे, लाइक करेंगे तो हमें ये लगेगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और जो भी ये वीडियो पढ़ रहा है, खास तौर से बीकॉम के लिए या अन्य स्टूडेंट है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उनके लिए उपयोगी है। तो इस तरह हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग वीडियो देखते रहिए। सारी वीडियो जानकारी के लिए ही आपकी आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का कल पहला चैप्टर चल रहा था। कंपनी लॉ का कल पहला चैप्टर चल रहा था। कंपनी लॉ, ठीक है। कल आप पढ़े थे कि कंपनी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे है और इसकी विशेषताएं क्या। आज आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी, अर्थात कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंपनी, आज जानेंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। होती तो बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन इसको हम कुछ आधारों पर, कुछ बेस पर डिवाइड किए हैं। वह बेस है, ध्यान दीजिएगा, इसको छह भागों में हमने बांटा। दो, तीन, चार, पांच और छह। कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है? छह पार्ट में, ठीक है। कंपनी के प्रकारों को हमने छह भागों में बांटा। भाग ए हमारा है समामेलन के आधार पर। समामेलन के आधार, समामेलन के आधार पर मतलब होता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के आधार। दूसरा है दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर, ठीक है। तीसरा है सदस्यों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है। चौथा है स्वतंत्रता के आधार पर या इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर, इकाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगला है इसमें स्वामित्व के आधार पर, और लास्ट हमारा है राष्ट्रीयता के आधार पर। अर्थात कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया? बी, सी, डी, ई और छह पार्ट में डिवाइड किया। मतलब यदि क्वेश्चन आ रहा है कंपनी कितने प्रकार की होती है, विस्तार पूर्वक समझाइए, तो वहां पर आप बताएंगे कि कंपनी के प्रकारों को हमने छह भागों में डिवाइड किया, ठीक है। छह भागों में डिवाइड करना, पहला है समामेलन के आधार पर, दूसरा है दायित्व के आधार पर, तीसरा है सदस्यों की संख्या के आधार पर, इकाई के आधार पर या इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समामेलन के आधार पर, मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है?
पहला है चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। दूसरा हमारा है कौन सी कंपनी, वैधानिक कंपनी, वैधानिक कंपनी। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। इसका विस्तृत डिटेल बाद में हम आगे के लेक्चरों में हम देखेंगे, लेकिन यहां थोड़ा थोड़ा आपको समझना जरूरी है। एक चीज और कि यह जो कॉमर्स का वीडियो चल रहा है स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, समामेलन के आधार पर कंपनी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला है हमारा चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो किसी देश के राजा, शासक, महाराजा, ठीक ना, के नियमों या आदेशों या उसके फरमान के द्वारा स्थापित किया जाता है, ऐसी कंपनी को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है। इसे विशेष आज्ञा द्वारा आदेशित कंपनी भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए भारत में तो राजतंत्र है नहीं, राजतंत्र है नहीं, राजा का शासन है नहीं, लेकिन जहां राजा, राजाओं का शासन होता है वहां पे उस राजा के आदेश या फरमान के द्वारा जो कंपनी बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है चार्टर्ड कंपनी या राज आज्ञा कंपनी। एग्जांपल के तौर पर जब भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय जिस कंपनी का निर्माण किए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वह चार्टर्ड कंपनी राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी है, क्योंकि ब्रिटेन के शासन, शासक द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया था, उसको आदेशित आदेश दिया गया था, उसके द्वारा नियम कानून पारित किया गया था जिसके आधार पर भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। भारत में प्रेजेंट टाइम में कोई भी चार्टर्ड कंपनी अर्थात राजाज्ञा द्वारा आदेशित कंपनी नहीं, ठीक ना, इस प्रकार की कंपनी भारत में नहीं, इंग्लैंड में है लेकिन भारत में नहीं, कंप्लीट। दूसरा होता है वैधानिक कंपनी, जिसे स्टेशनरी कंपनी कहा जाता है। वैधानिक कंपनी का मतलब होता है स्टेशनरी कंपनी। यहां ध्यान से समझिएगा कि स्टेशनरी कंपनी क्या होता है, ऐसी कंपनी जो देश के संसद या किसी विशेष अधिनियम द्वारा पारित किया जाता है, अर्थात ऐसी कंपनी जो देश के विशेष अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा पास करके, अब पास करने में उसके 2/3 बहुमत के आधार पर पास करके स्थापित किया जाता है, जिसमें संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिला दिया जाता है तो संसद का निर्माण होता है, के आदेश द्वारा पारित किया जाता, माने उसमें सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है, ऐसी कंपनी को वैधानिक या स्टेशनरी कंपनी कहा जाता है। जैसे इस तरह की कंपनियों में आता है RBI है, ठीक ना, एयर इंडिया है, ठीक ना, या औद्योगिक वित्त निगम है, या जितनी भी और कंपनियां हैं, तो ये वैधानिक कंपनी के अंतर्गत आता है। तीसरी हमारी है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होता है, ये ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, उसके अधिनियम के द्वारा स्थापित की जाती है, उसके नियमों कानून के द्वारा स्थापित की जाती है, ऐसी कंपनी को रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाता है। जैसे जितनी भी कंपनियां चल रही है सारी रजिस्टर्ड कंपनियां, ठीक ना, क्योंकि कंपनी अधिनियम एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो यह हो गया समामेलन अर्थात रजिस्ट्रेशन के आधार पर। चलिए अब दूसरे में बढ़ते हैं, दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है, लायबिलिटीज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज। दायित्व के आधार पर पहली कंपनी है अंशों द्वारा सीमित कंपनी।
अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा इसमें कौन है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और तीसरा कौन सा हमारा है, असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, दायित्व के आधार पर कंपनी को तीन भागों में बांटा गया। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, इसका मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व, जिसके सदस्यों का दायित्व उसके अंशों की सीमा तक ही निश्चित रहता है, मतलब जितना शेयर उस कंपनी में उसके मेंबर का होगा उसकी लायबिलिटी उतने ही होगी, उतने ही सीमा तक होगी, ऐसी कंपनी को अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कंपनियों में एक और विशेषता है कि ये अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का भी प्रयोग करती है। ठीक है, दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन तक, समापन होने पर जितनी धनराशि या जो कुछ देना है तय रहता है, तो उसे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह किसी कंपनी का मेंबर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, लेकिन होने के होते समय उसको ये गारंटी दी जाएगी कभी भी कंपनी बंद होगी तो हम इतना हिस्सा आपको देंगे, गारंटेड रहता है, तो इसे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। तीसरा है इसमें, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, असीमित दायित्व वाली कंपनी, ऐसी कंपनी भारत में नहीं, क्यों कि एक तरह से असीमित दायित्व वाली कंपनी एक एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार होता, अब इसे कंपनी का दर्जा ही नहीं दिया गया, ठीक ना, जो किसी कानून या विधान के अंतर्गत पारित नहीं है, तो ये असीमित दायित्व वाली कंपनी कहा जाता। अब बारी आती है संख्या के आधार पर। ठीक है, संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है निजी कंपनी और दूसरा है सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी। ठीक है, निजी कंपनी हमारी क्या होती है पहले सुन लीजिए, क्योंकि इसका डिफाइन मैं अलग से करूंगा। निजी कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम दो, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम दो और अधिक से अधिक 200 होती है, तथा अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, तथा अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती, तो ऐसी कंपनी को निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। ओके, ये तो निजी कंपनी हो गया। सार्वजनिक कंपनी किसको कहा जाता है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का एक और नाम है आलोक कंपनी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आलोक कंपनी क्या है, इसकी विशेषता बताइए या समझाइए, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आलोक कंपनी तो हम पढ़े ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सार्वजनिक कंपनी को ही दूसरा एक नाम है आलोक कंपनी, जिसे अंग्रेजी में, ऐसे कंडीशन पे जब न समझ में आए तो अंग्रेजी वर्जन पढ़िएगा, अंग्रेजी में उसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। अब पब्लिक कंपनी होता क्या है कि ऐसी कंपनी जो अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7, अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 और अधिकतम असीमित करती है, कितना भी रख सकती है, और अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, और अपने नाम के साथ क्या करती है, लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है,
तथा अपने अंशों को खुले बाजार में स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय कर सकती है। ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी कहा जाता है। क्लियर? डी में आइए। इकाई के आधार पर, इकाई के आधार पर कंपनी दो प्रकार की होती है। एक होता है सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, और दूसरा होता है सहायक कंपनी। पहला दूसरा। सहायक कंपनी क्या होता है और सूत्रधारी कंपनी क्या होता है? पहले आते हैं सूत्रधारी। सूत्रधारी कंपनी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 51% शेयरों पर अपना अधिकार रखती है, ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 51% शेयरों पर अपना स्वामित्व बनाए रखती है, तो ऐसी कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आइए, हम और आप दो व्यक्ति हैं, मैं स्वतंत्र, आप स्वतंत्र, लेकिन सूत्रधारी हम कब कहलाएंगे और आप सहायक कब कहलाए? आपकी संपत्ति का कम से कम 51% अधिकार कब्जा मेरे हाथ में, तो मैं कहलाऊंगा होल्डिंग कंपनी, मतलब सूत्रधारी कंपनी। ओके, सहायक कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर पर अधिकार किसी दूसरी कंपनी को चले जाते हैं, उसके पास कितना बचता है? 49%। ऐसी कंपनी को सहायक कंपनी कहा जाता है, जिसे सब्सिडरी कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? पहला है इसमें सरकारी कंपनी, दूसरा है गैर सरकारी कंपनी, और तीसरा है मिश्रित कंपनी। ठीक है, सरकारी कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिस पर केंद्र या राज्य सरकार के आधे से अधिक अर्थात 51% शेयरों पर स्वामित्व होता है। किसका? किसी भी कंपनी पर जब 51% शेयरों पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है। ओके, गैर सरकारी कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिस पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता, तो उसे गैर सरकारी कहा जाता है। मिश्रित कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसका कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ भाग प्राइवेट निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता, ऐसी कंपनी को मिश्रित कंपनी कहा जाता है। कंफर्म। अगला हमारा है राष्ट्रीयता के आधार पर। कंपनी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी दो प्रकार, पहला होता है इसमें देसी कंपनी और दूसरा होता है विदेशी कंपनी। इसको ध्यान से समझिएगा, देसी कंपनी हमारा क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो अपने देश के नियम कानून के अंतर्गत किसी देश के ही अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाती है, ऐसी कंपनी को देसी कंपनी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो कंपनियां स्थापित की जाती है, तो कंपनी एक्ट 1956 संशोधित, ठीक ना, रिवाइज कंपनी एक्ट कितना 2013 के अकॉर्डिंग जब स्थापित की जाती है, तो ऐसी कंपनी को देसी कंपनी कहा जाता है। तो विदेशी कंपनी किसे कहा जाता है? ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे देश के अधिनियम या कानून के अंतर्गत स्थापित की जाती है या पारित की जाती है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? विदेशी कंपनी कहा जाता है। कंफर्म। तो इस प्रकार आप आज के वीडियो में क्या पढ़े? काइंड्स ऑफ कंपनी।
कंफर्म हो गया होगा कि कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। कंपनी के प्रकारों को हमने छह भागों में बांटा, छह भागों में सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और नोट्स तैयार करिएगा। ऐसा नहीं कि केवल सुन के इधर से इधर निकाल दें, कंटिन्यू सुनिएगा, पेन कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और विधिवत उसको नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि सारी कंपनियों के बारे में डेफिनेशन आपको दे दिया गया है। इसका और भी एक्सप्लेन करना होगा तो आगे के चैप्टरों में पड़ेगा, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इस तरह ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को प्रयास करिएगा कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके, सभी लोग हमारा वीडियो देख सकें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।